आपके चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर खुशीराम जी, आज की सभा के मुख्य अतिथि और इटली घर गुरु घर के प्रधान आदरणीय मनोज जी और हमारे जिला बागपत के जिला अध्यक्ष भाई कुलदीप जी और तमाम साथीगण और इस शक्ति से इस सोच से जोड़ने वाले बड़े भाई आदरणीय गुरु जी विकास जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे यहाँ पर अपनी बात करने का मौका दिया। आज पूरे देश में एक लड़ाई चल रही है मनुवाद से, और जब हम गांव में जाते हैं अपने समाज के लोगों से मिलते हैं और उनके एक विचार को सुनते रखते हैं, अभी यहाँ पर भी पहुँचे हैं तो बड़ा अचंभित सा लगता है कि समाज के हमारे पूरे देश के अंदर समाज की संख्या होने के बावजूद भी गांव में लोग हमारे एकजुट नहीं हो पाते। पता नहीं, एक प्रकार से ये सोचते हैं आपस में ही कि क्या पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, किस प्रकार की ये मीटिंग कर रहे हैं। जब तक हम अपने शक्ति से नहीं जुड़ेंगे, अपने गुरु से नहीं जुड़ेंगे, चमार कौम एक देश में, इस देश में एक इतिहास रहा है चमार कौम का, और अगर हम अपने ही गुरु को नहीं मानते, मैं मानता हूं हम किसी को भी नहीं मानते, और सबसे बड़ा गुरु हमारा कौन है, हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वेरी गुड, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है, और हम अपने गुरु को ही नहीं मानते हैं, उनकी ही नहीं रक्षा कर सकते, तो हम किस अपनी रक्षा क्या करेंगे और आने वाली पीढ़ी की क्या रक्षा करेगी। संत गुरुदास महाराज जी की अभी जयंती का प्रोग्राम प्रत्येक गांव में रहा और अभी भी कहीं कहीं मैं देख रहा हूं कि शोभा यात्रा निकाले जा रही है। हमारे लोग लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं और इन जयंतियों पे खर्च करते हैं, अच्छी बात है, अपना इतिहास जागरूक रखना चाहिए, अपने गुरु का नाम लेना चाहिए, लेकिन उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनकी स्कूल की फीस जमा भी नहीं हो पाती है। एक गांव पड़ता है जिला श्यामली में नौजल, हम वहां पे गए तो वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने हमसे एक बात रखी कि भाई आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, लेकिन एक पीड़ा है हमारी। मैंने कहा जी बताओ कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पांचवी तक के स्कूल में जाते हैं उनकी फीस भी जमा नहीं हो पाती है, और कि हमारे से 1,000 रुपया प्रत्येक घर से लिया गया है, 2,000 रुपये प्रत्येक घर से लिया गया है कि आप लोग रविदास जयंती में अपना सहयोग दो। हम उन महिलाओं ने गांव के लोगों से, कमेटी के लोगों से ये बात रखी कि आप जो लोग 1-1.5 लाख रुपये आप लोगों ने इकट्ठा कराया कि आप ये पैसा रविदास जयंती में भी लगाओ, लेकिन इन बच्चों के बारे में सोचो, इनकी फीस जिन जो फीस के अभाव में घर बैठ चुके हैं उनकी फीस भी ताकि भर सके, उनके स्कूल में फीस जमा कर सके और वो बच्चे अपना भविष्य सुरक्षित कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। बाबा साहब ने एक अधिकार दिया, एक मंत्र दिया, मंत्र तो हम लोग बहुत याद रखते हैं, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। हमारा समाज शिक्षित भी हो रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहा है। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं बन पाएंगे समाज का उद्धार नहीं हो पाएगा। आज डॉक्टर खुशीराम जी का जो नाम है, मनोज जी का जो नाम है, वो ऐसे नहीं है, इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है तभी तो इटली में जाके भी अपना व्यापार खड़ा कर चुके हैं। कब तक हम लोग मजदूरी करते रहेंगे और कब तक हम गुलामी करते रहेंगे? जो हमारी बहनों बेटों के साथ में, हमारे समाज के साथ में जो जुल्म अत्याचार होता है, वो ऐसे नहीं होता है, हम लोग उसका कारण है, क्योंकि हम ही लोग गुलामी करना पसंद करते हैं, हम उस गुलामी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। और मेरा प्रयास, हम सब का प्रयास यही है कि अपने सत गुरुदास महाराज जी को माने, जिन लोगों ने हमें मार्गदर्शन किया, जिनके वजह से हमारी पहचान है। चमारों के अलावा क्या संत गुरुदास महाराज जी को कोई मानता है? लेकिन हमारे लोग सबको मानते हैं। बताइएगा कितने लोगों ने सहयोग किया होगा गुरुदास जयंती में? अभी राजेंद्र जी बैठे, इंजीनियर साहब बैठे, इन्होंने एक संस्था, आज मुझे इनके दर्शन हुए, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इन्होंने एक संस्था का संचालन किया है अपने निर्णय में, निःशुल्क सिलाई सेंटर, निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर का। एक हमारा ग्रुप है जो विकास जी ने बना रखा है, मैं उसमें लगातार देखता रहता हूँ कि ये लोग वहाँ पर कितना सहयोग कर रहे हैं समाज के लिए। ये समाज के अंदर एक पीड़ा है क्योंकि इन्होंने झेला है, और ये चाहते हैं कि समाज उस पीड़ा में ना जाए जिस पीड़ा से हम बाहर निकल चुके हैं।
जब तक आप लोग घर में अगर दो बच्चे हैं, मेरी आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है, अगर किसी के भी घर में दो बच्चे चार बच्चे हैं, अपने बच्चों को अगर घर में एक बच्चे भी पढ़ना चाह रहा है तो एक को पढ़ाओ, पर दूसरे को काम जरूर से मजदूरी की तरह मत भेजो। उसका खुद का व्यापार होगा, वो काम सीखेगा, चाहे वो किसी भी चीज का काम सीखे, टायर पंचर का काम सीखे, बाइक का काम सीखे, उसकी खुद की एक दुकान होगी। अगर वो दिन का भी अपना एक रुपया कमाएगा, वो अपना कमाएगा, दूसरे की मजदूरी नहीं करेगा। अगर हम आज एक रुपया कमा रहे तो कल को हम दो रुपये में कमाएंगे, कल को दस भी कमाएंगे, इससे ही हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है कि एकजुट होकर अपने नेशन को आगे बढ़ाए, इस समाज को एकजुटता का रास्ता पर लेकर जाए, और जो हमारे संतों महापुरुषों का मिशन था उसको आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।